शहर के प्रताप नगर स्थित रेलवे स्टेडियम में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा जे जी मोरकल दादा ओपन गुजरात क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से शुभारंभ किया गया। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा स्वर्गीय जे जी मोरकल दादा मेमोरियल ओपन गुजरात कम वेस्टर्न रेलवे T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का 1 मार्च से 16 मार्च के दौरान माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम प्रतापनगर स्थित आयोजन किया गया है, जहां आज 1 तारीख को ये क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए इस मौके पर डिविजनल रेलवे मैनेजर अमित गुप्ता सहित कई महानुभव उपस्थित रहे थे, जो ये टूर्नामेंट में गुजरात की 32 टीम, वेस्टर्न रेलवे की 8 टीम, वैसे कुल मिलाकर 40 टीम ने हिस्सा लिया है। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ये टूर्नामेंट में किसी प्रकार की प्रवेश फी या तो फिर कोई स्पॉन्सर का मदद नहीं लेता। तो वहीं आज सुबह प्रारंभ की गई वैसे ये मैच के तहत GSFC बड़ोदरा और बड़ोदा स्पोर्ट्स क्लब के बीच ये मैच की शुरुआत की गई थी। हिंदी गुजराती हमारा स्वर्गीय दादा मावरकर जी वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ना सन्माननीय महामंत्री था अने ऑल इंडिया ना नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। रेल कर्मचारियों ना मसीहा था अमारा सौना चहिता था। एमना स्वर्गवास पछी आ तीजू वर्ष है एमना मान में अमे क्रिकेट टूर्नामेंट नु आयोजन कर्यू छे। बड़ोदा क्रिकेट टूर्नामेंट T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट आज थी एनी शुरुआत करवामां आवी छे, जेमां 40 टीमोए भाग लीधो छे। એમાં બરોડાની જે ખાસ મુખ્ય ટીમો છે IPCL છે, GNFC છે, ONGC છે, બરોડા સ્પોર્ટ્સ છે, હિન્દુ જીમખાના છે અને આ બધી ટીમોએ ભાગ લીધો છે। તે રેલવેની પણ વેસ્ટર્ન રેલવેની ઘણી ટીમ મુંબઈની, રતલામની, રાજકોટ, ભાવનગરની ટીમો પણ ભાગ લેશે અને એક સુંદર ક્રિકેટનું અહીંયા પ્રદર્શન થશે। માવરકર દાદા પોતે પણ એક સારા સ્પોર્ટ્સમેન હતા, હોકીના માધવ કોલેજ ઉજ્જૈનના એ એક મોટા પ્લેયર હતા હોકીના, અને એમણે ક્રિકેટ અને હોકી અને બીજી વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ ઘણી ટુર્નામેન્ટો બરોડામાં એમણે કરી અને સ્પોર્ટ્સને પ્રમોટ કરવા માટે એક્ટિવિટી કરતા હતા। એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આજે અમે આ ફરી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે અને આવતા વર્ષોમાં પણ કરતા રહીશું એમના માનમાં એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે। પ્રેસ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાનો ખૂબ ખૂબ આભાર।